सर्पदम नशे हुई 20 साल के युवक की मौत। खेतिया कल देर शाम खेतिया के सुभाष मार्ग पर रहने वाले रोहित भगवान साटोटे उम्र 20 वर्ष को सांप ने उंगली पर काट लिया, जिसके चलते देर रात उसकी मृत्यु हो गई। प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र खेतिया की सूचना पर पुलिस ने आवश्यक कार्रवाई कर शव को पोस्टमार्टम कर शव को परिजनों को सौंप दिया है। सर्पदम नशे से कुछ दिनों पहले भी एक छोटे बालक को की मृत्यु हो चुकी है। वर्षा काल में सर्पदम नशे से मृत्यु की यह दूसरी घटना है। पुलिस थाना खेतिया के सहायक उप निरीक्षक कैलाश चौहान ने जानकारी देते बताया कि अस्पताल से प्राप्त सूचना पर मर्ग कायम कर शव को पोस्टमार्टम कर परिजनों को सौंप दिया है। परिवार के सदस्यों की भी जानकारी है कि उसकी मृत्यु सांप के काटने से ही हुई है। खेतिया पान से मल से राजू गायकवाड़ की रिपोर्ट। चलो आज अस्पताल खेतिया से एक मृत्यु सूचना प्राप्त हुई, जिसमें मृतक रोहित पिता सुभाष साटोटे भगवान साटोटे है, उसकी मृत्यु सूचना प्राप्त होने पर मर्ग कायम कर लिया है। मर्ग जांच अभिषेक प्रधान आरक्षक को दी गई है और जांच के लिए वो अस्पताल गए। आज उसका पीएम कराकर उसके परिजनों को सुपुर्द किया जाएगा। अभी तक की जानकारी ये मिली है कि मृतक को सांप ने काटा है, सांप काटने से ही उसकी मौत हुई है। परिवार वालों को भी कोई शंका होना नहीं बताया।